आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लूत की पत्नी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेतावनी भी दी है, जिसका वर्णन आपको लूका के सुसमाचार और उसके 17 अध्याय के 32 वचन में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर प्रभु यीशु ने सिर्फ इतना कहा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रियो, हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने यह क्यों कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बाइबल में ऐसे बहुत से पात्र हैं जो प्रेरणादायक तथा प्रोत्साहित करने वाले हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को छोड़कर सिर्फ लूत की पत्नी को ही स्मरण रखने के लिए क्यों कहा? तो आइए प्रियो, हम पहले लूत की पत्नी के बारे में जानते हैं। बाइबल में हमें लूत की पत्नी का जिक्र सिर्फ एक ही बार मिलता है। बाइबल में उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना हमें उसका नाम पता है और ना ही उसके कुल व घराने के बारे में कुछ बताया गया है। उसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि वह परमेश्वर के दास अब्राहम के भतीजे की पत्नी थी। अब यदि हम इसके पारिवारिक माहौल को देखें तो हम पाते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो लूत और उसकी पत्नी भी उसके साथ थे, अर्थात लूत की पत्नी ने अब्राहम के विश्वास को देखा था। वह काफी समय तक अब्राहम के ही साथ थे, तो निश्चय ही उसने अब्राहम द्वारा की जाने वाले परमेश्वर की उपासना को देखा होगा। उसने परमेश्वर के सामर्थी कार्यों को भी देखा होगा। उसने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने मात्र 318 सेवकों के माध्यम से ही उन्हें 5 राजाओं के वश से छुड़ाया था। साधारण शब्दों में कहूँ तो उसे संसार के सबसे बड़े धर्मी पुरुष से जुड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वह परमेश्वर को जानती थी, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर से दूर थी। हम यह जानते हैं प्रियो कि जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तो उसने सदोम और अमोरा के तराई वाले क्षेत्र को अपने रहने के लिए चुन लिया और वहां जाकर बस गए। अब यदि हम सदोम और अमोरा के बारे में देखें तो बाइबल हमें बताती है कि उस नगर के लोग परमेश्वर के लेखे में दुष्ट व पापी थे। सदोम और अमोरा का पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर ने उसे नाश करने की ठान ली थी, लेकिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि लूत पर थी क्योंकि वह धर्मी पुरुष था और परमेश्वर नहीं चाहता था कि सदोम अमोरा के लोगों के साथ साथ लूत व उसका परिवार भी नाश हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूतों को लूत के पास भेजा ताकि वह उसे उस नगर से बाहर निकाल सके। अब यहाँ ध्यान दे प्रियो कि लूत की पत्नी को यह मालूम था कि उन नगरों का नाश होने वाला है और परमेश्वर ने उन्हें बचने का पूरा मौका दिया और उनसे बस इतना कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। और जैसा कि हम जानते हैं कि लूत व उसकी पत्नी और उसकी बेटियां जब सदोम और अमोरा से बाहर आए तो कुछ दूर जाकर लूत की पत्नी ने पीछे देखा और वह नमक का खंभा बन गई। तो अब आप यहाँ पर यह सोच रहे होंगे कि लूत की पत्नी ने ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया था, उसने बस पीछे ही तो मुड़कर देखा था। लेकिन प्रियो, ध्यान दे कि उसे इसी बात के लिए चेतावनी दी गई थी, अर्थात उसे इसी बात के लिए मना किया गया था कि पीछे मुड़कर ना देखें। यहाँ पर उसने परमेश्वर द्वारा दी गई चेतावनियों को अनसुना किया और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, इसलिए तुरंत उसका न्याय हुआ और वह नमक का खंभा बन गई। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से भी अंत के दिनों के बारे में बातें कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा और उसके अर्थात प्रभु के आगमन से पहले क्या क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह लूत की पत्नी का उदाहरण देकर चेलों को सबसे पहले यह समझा रहे थे कि उन्हें चेतावनियां जो उन्हें प्रभु के द्वारा दी गई थी उसे अनदेखा नहीं करना है। यहाँ ध्यान दे प्रियो कि सदोम अमोरा के नाश के विषय में परमेश्वर के दूतों ने उन्हें बता दिया था
और उन्हें यह भी बताया था कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वैसे ही प्रियो, प्रभु ने हमें भी इस संसार के अंत के बारे में हमें पहले से ही बता दिया है। हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वो सारी बातें देखने को मिलती है जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले और उसके आने के बाद होगी। ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रभु ने हमसे छुपाई हो। हाँ, बस उसके आने का समय नहीं बताया गया है, वो तो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। लेकिन जैसी आज्ञा लूत की पत्नी को दी गई थी, वैसे ही हमको भी दी गई है। हमें भी प्रभु ने अपने वचन के द्वारा कई सारी चेतावनियां दी हैं, ताकि हम इस संसार के साथ नाश ना हों। लेकिन यदि हम उन चेतावनियों को नजरअंदाज करके परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो हम भी इस संसार के साथ नाश हो जाएंगे। दूसरी बात प्रियो, जो प्रभु लूत की पत्नी के उदाहरण से हमें समझाना चाहते हैं कि लूत की पत्नी सदोम अमोरा से बाहर तो आ गई थी, लेकिन उसका मन वहीं पर लगा हुआ था। ध्यान दे प्रियो, अब्राहम के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था, और सदोम अमोरा में भी वो और अधिक समृद्ध हो गए थे। उनके पास सुख सुविधा की सारी चीजें थीं, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ छोड़कर वहां से जाने को कहा, तो लूत की पत्नी उन सब चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसका पीछे मुड़कर देखना यह बताता है प्रियो कि वह संसार से प्यार करती थी, परमेश्वर से नहीं। उसका सारा ध्यान उन चीजों में लगा हुआ था जो वो वहां छोड़कर आई थी। प्रियो, एक मसीही होने के नाते हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संसार से अलग किया है। परमेश्वर हमें अपने बेटे के लहू से धोकर शुद्ध किया है और हमें अपना लेपालक पुत्र व पुत्रियां बनाया है। इसलिए हमें प्रभु के आने से पहले उसके कार्यों को पूरा करना है। लेकिन प्रियो, यदि हम अपना ध्यान उन कार्यों को पूरा करने के बजाय संसार में लगा देते हैं, तो हम न्याय के दिन उसके दंड के भागीदारी होंगे। प्रियो, यदि आप सांसारिक हैं तो आप सांसारिक वस्तुओं की खोज में ही रहोगे, और यदि आप आत्मिक हैं तो आप स्वर्गीय उद्देश्यों को पूरा करने की खोज में रहोगे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रियो, प्रभु ने कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। हाँ प्रियो, हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं वह इस बात से प्रकट होता है कि हम उसकी आज्ञाओं को कितना महत्व देते हैं। ध्यान रखें प्रियो, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे ही उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। लूत की पत्नी का मन हमें यह प्रकट करता है कि वह संसार से प्यार करती थी। चाहे भले ही उसका शरीर सदोम अमोरा से बाहर आ गया था, लेकिन उसका मन वहीं लगा हुआ था। उसकी नजर वहीं मुड़कर गई थी जहां उसका धन था। प्रियो, इस बात को हम हमेशा ध्यान रखें कि हम संसार और परमेश्वर दोनों से मित्रता नहीं रख सकते। याकूब के पत्री के 4:4 में लिखा है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है, और 1 यूहन्ना 2:15-17 में लिखा है कि जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो बात अलग थी, लेकिन जब हम प्रभु को जान लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। प्रभु चाहते हैं कि हम इस बात को जानें कि हम इस संसार के नहीं हैं, बल्कि हम इस संसार में एक परदेसी और मुसाफिर हैं। प्रियो, लूत की पत्नी के मन से संसार और उसकी अभिलाषाएं नहीं निकली थी। वो लूत के साथ सदोम और अमोरा को छोड़ तो देती है, लेकिन वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसका पति और उसकी बेटियां भी ऐसा कर रही थी। ऐसे ही प्रियो, हो सकता है कि आप भी चर्च जा रहे हों, लेकिन आप चर्च इसलिए जा रहे हों क्योंकि आपके परिवार के लोग चर्च जाते हैं। हो सकता है प्रियो, आपने बपतिस्मा लिया हो, लेकिन शायद वो आपने इसलिए लिया हो क्योंकि दूसरे लोगों ने भी लिया था। हो सकता है प्रियो, आप प्रार्थना करते हो तो शायद आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको आपके परिवार के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठना पड़ता हो। जरा खुद से एक बात सोच कर देखें कि क्या हमने यह चीजें कभी अपने दिल से की है? क्या कभी हम अपने दिल से चर्च गए हैं? क्या कभी हमने अपने दिल से प्रार्थना की है?
क्या हमारा दिल सच में प्रभु की ओर लगा है? प्रियो, लूत की पत्नी का मन सदोम में लगा था, इसलिए वह उसे पूरी तरह छोड़ नहीं पाई और नाश हो गई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप पूरी तरह से प्रभु में आ गए हैं, या आज भी आपका मन संसार में ही लगा हुआ है? अगर आपका मन संसार में ही लगा हुआ है, तो आज आपके लिए चेतावनी है कि आप पूरी तरह से प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाएं। प्रियो, वचन में लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। एक वचन में ऐसा और लिखा हुआ है कि इस संसार के सदृश ना बनो। प्रियो, यहाँ आपके लिए एक आग्रह है कि यदि आप प्रभु में आ गए हैं तो प्रभु के जैसे बनिए, संसार के जैसे नहीं। क्योंकि जैसा वचन में हमने देखा कि संसार एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन जो प्रभु में रहेगा वह कभी नाश ना होगा। प्रियो, एक बात और हमेशा याद रखें कि दूसरे की धार्मिकता हमें कभी नहीं बचा सकती। लूत की धार्मिकता उसकी पत्नी को नहीं बचा सकी, वैसे ही आपके माँ बाप, भाई बहन या पास्टर की धार्मिकता आपको नहीं बचा सकती है। हमें यह भी समझना है प्रियो, कि हमारा मन धोखा देने वाला है, जैसा वचन में लिखा भी है कि मन सब में अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। इसलिए हमें अपने मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपका मन संसारिक वस्तुओं की ओर ना लगने दे। प्रियो, संसार और उसकी वस्तुओं के प्रति आपका मुंह आपको ले डूबेगा, इसलिए जहां तक हो सके स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपना ध्यान लगाएं और अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। तीसरी और अंतिम बात जो प्रभु लूत की पत्नी के उदाहरण से हमें सिखाना चाहते हैं कि जो कोई अपने प्राण की रक्षा करने का प्रयत्न करेगा वह उसे खोएगा। क्योंकि जब आप लूका के 17 अध्याय के 20 से 37 वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु वहां पर कहते हैं कि लूत के दिनों में ऐसा हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया गया। 31 वचन में प्रभु कहते हैं कि जो छत पर हो वह सामान लेने को नीचे ना उतरे, जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। इसका मतलब प्रभु कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें वापस पीछे नहीं जाना है। प्रियो, जब कोई अन्य जातीय व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो समाज के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, लोगों के द्वारा उसे मानसिक रीति से परेशान किया जाता है, उसे इस तरह से सताया जाता है कि वह फिर अपने पुराने धर्म में वापस चला आए। और कई लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर, मारपीट या सामाजिक बहिष्कार से बचने के लिए फिर अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु ने वचन में साफ साफ चेतावनी दी है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। अंत के दिनों में इससे कठिन समय आने वाला है। अभी तो बस सताव की शुरुआत ही हुई है, लेकिन जब सताव आरंभ होगा तब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने विश्वास से पीछे हट जाएंगे और लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़ जाएंगे। लेकिन जैसा लूत की पत्नी के साथ हुआ वैसा उनके साथ भी होगा। अंत में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। क्या आप जीवन की आखिरी सांस तक प्रभु के वफादार बने रहोगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो उस अनंत जीवन को आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन यदि आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आप एक पल में सब कुछ खो देंगे। फैसला आपको करना है। आशा करती हूँ प्रियो कि लूत की पत्नी का यह अध्ययन आपके लिए आशीषित रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सब से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।